जेलीफिश अगर काट ले तो क्या एहतियात करना चाहिए? जेलीफिश अगर काटे बंदूक के दिल में होना चाहिए, तकरीबन अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। गिडानी में कब से आप लाइफ गार्ड का काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो रहे हैं। 10 साल हो रहे हैं जी। लोगों को यहाँ पर आते तो किस तरह की एहतियात करना चाहिए? तैयार करना चाहिए, खुद कर रहे हम लोगों का बात मानना चाहिए लोगों को। जब हम लोग तैनात से ड्यूटी पर होते हैं, जैसे जो जहाँ पर गड्ढे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग ड्यूटियाँ करते हैं, मतलब लड़कों की बात सुनने के, जबकि हम लोग ड्यूटी मारते हैं तो उन लोगों को फौरी तौर पर समझ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर किसी इस तरह के हादसा पेश आ जाते हैं अगर खिलाफ तकरीबन रास्ता पेश आती है तो मतलब नाइलाजी की वजह बात नहीं मानती और चुपे चुपे निकलती है। कैसा व्यू है गिडानी? जबरदस्त। लोगों को आना चाहिए? जी जी बिल्कुल। जेलीफिश अगर काट ले तो क्या एहतियात करना चाहिए? जेलीफिश के लिए नाते अगर काटे बंदूक के मतलब किसी के दिल में होना चाहिए, उसका सूजन तकरीबन 5 मिनट होगा, कुछ को ज़्यादा परेशानी करता है, कुछ को कम परेशानी करता है। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ? एक ही पॉइंट है।
होना चाहिए ना, अगर बंदो का दिल पकड़े तो एक पाँच मिनट के बाद उसका फ्यूजन फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना खारिश होगा ना कोई कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो इसके ऊपर गर्म मिट्टी और प्याज लगा लेना चाहिए। प्याज लगाना चाहिए और जो बाइक की पेट्रोल होती है पेट्रोल भी लगाना, वो ठंडी होती है। तो डॉक्टर के पास आप कह रहे हैं जाने की जरूरत नहीं। ये टाइमिंग क्या होती है यहाँ पर सुबह से? सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक। 8 बजे 6 बजे आप लोगों के साथ कितने लोग होते हैं तकरीबन? हम लोग यहाँ पर गिनती के हिसाब से हैं दादा, तो आप तो देख रहे हो कि कितने बंदे यहाँ पर आते हैं। हम लोग यहाँ पर ट्रैम का टक्कर डॉक्टर और कुछ बंदे हम लोगों के साथ मदद भी करते हैं। जी।